हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। सो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं घर का बना हुआ राजमा चावल। जी हाँ, राजमा चावल जो नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, आज हम वो बनाने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो राजमा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हमें राजमा को भिगाना है। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब राजमा भिगाया है। जब भी आप राजमा भिगाएं तो आप उसे 5-6 घंटे के लिए पानी में भीगे रहने दीजिए, और जब ये कलर इनका चेंज हो जाए और थोड़ा जो राजमा है उसका साइज़ बड़ा हो जाए, आप तब तक इसे भिगाएं। ये देखिए, यहाँ पे कुकर में मैंने राजमा को डाल लिया है। उसके बाद मैंने 2 ग्लास के करीब मैंने पानी डाला है, आधे चम्मच के करीब नमक, और यहाँ पे मैंने लीड लगा के कम मैंने 6 सीटी आने तक इसे पकाया है। आप राजमा आपके आपका राजमा कितना कड़क है या उसकी क्या वैरायटी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सीटियाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे राजमा पक जाने के बाद यहाँ पे मैंने मसाला पीसना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने लिया है 3 बड़े प्याज, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम जार में लेके इन्हें अब हम पीस देंगे। ये देखिए पेस्ट यहाँ पे रेडी है। सेम आपको इसी तरीके से पेस्ट बनाना है। अब चलिए हम राजमा को तड़का लगाना शुरू करते हैं। सो तड़का लगाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब फॉर्चून ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहे, आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है वो फॉर्चून ऑयल यूज़ किया है। ऑयल के गर्म होते ही आप यहाँ पे उसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाल दीजिए। जैसे ही आपका जीरा अच्छी तरीके से पक जाए, यहाँ पे हम डालेंगे 2 बे लीफ, मतलब 2 तेज पत्ता। अब इसी तड़के में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 लाल मिर्च का टुकड़ा, 3ों अच्छी तरीके से पक जाए, इसके बाद हमें ऑयल में डालना है वो पेस्ट जो हमने जार में अभी पीस के रेडी किया था। ये देखिए, जब आप इसे डालें ऑयल में तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो प्याज है ये बहुत ज़्यादा उछलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी होती है, क्योंकि प्याज जो है वो अपना रस छोड़ता है। ये थोड़ा मसाले मैंने पीछे से ऐड कर दिए थे, मतलब जो जार में लगे हुए थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके यहाँ पे उसे भी पैन में डाल दिया है। अब यहाँ पे इसी स्टेज पे हम यूज़ करेंगे कुछ सूखे मसाले। ये रहा 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता इसलिए 1 चम्मच यूज़ किया। 1/2 चम्मच के करीब मैंने यूज़ किया है तीखी लाल मिर्च का पाउडर। ये हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे धनिया पाउडर, जो कि मैंने करीब 2 चम्मच के करीब यूज़ किया है। फिर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच यहाँ पे हल्दी। यहाँ पे हमने तीखी लाल मिर्च की क्वांटिटी हल्दी से ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमें जो राजमा का टेस्ट जो राजमा का कलर है वो हमें थोड़ा सा रेडिश चाहिए, ना कि येलो। यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच के करीब यूज़ की हूँ गरम मसाला। बस अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके पका लेते हैं। जब आप इन मसालों को पकाएंगे तब जो अरोमा आएगा ना, जो खुशबू आएगी, यकीन मानिए बहुत लाजवाब होती, बहुत टेस्टी आती है। आप जब ट्राई करिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खुशबू आपको पसंद आई कि नहीं आई।
यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स एंड वेल करके आपको यहाँ पे मसाले को पकाते रहना है। आपको मसाले को तब तक पकाना है जब तक इन मसालों में से ऑयल ना निकलना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपको तब पता चल जाएगा कि हाँ मसाले हो गए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लीड लगा के पकाया है, आप भी लीड लगा के पकाइएगा क्योंकि जो अरोमा है ये उस मसालों में होना चाहिए। अगर आप लीड ओपन करके पका रहे हैं मसाले ज़्यादा देर तक तो जो खुशबू है वो चली जाएगी खाने में से। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम लीड हटा के चेक कर रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो मसाले हैं उनके आजू बाजू ऑयल आ चुका है। बस अब इसी स्टेज पे हमें इसमें ऐड करना है 2 टमाटर की प्योरी। आप टमाटर की प्योरी फ्रेश बना करके ही यूज़ करिएगा। सो ये लीजिए, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करके अब पका लेते हैं। टमाटर का पकना यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कच्चे टमाटर का टेस्ट आपके राजमा में आएगा। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है ये सारा प्रोसेस बहुत ही लो फ्लेम पे हो रहा है, क्योंकि जब भी खाना अगर आप लो फ्लेम पे पकाते तो मसाले अच्छी तरीके से पकते। अगर आप तेज़ी से पकाएंगे तो मसाले भी अच्छे से नहीं पकेंगे बल्कि वो जल जाएंगे। तो अगर आप कभी भी ट्राई करते हैं मसाला पकाना तो हमेशा उन्हें लो फ्लेम पे ही आप उन्हें पकाइए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मसालों की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है, जो पानी की क्वांटिटी थी वो कम हो गया है। बस अब इसी स्टेज पे हमने जो राजमा उबाल के रखा था ना, बस उन्हें अब हमें इसमें ऐड करना है। जो राजमा का पानी था उसे भी हमें इसी स्टेज पे ऐड करना है, उस पानी को आपको फेंकना नहीं है। बस अब इन मसालों के साथ राजमा को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे लीड लगाने से पहले यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब नमक। याद रखिएगा 2 कटोरी राजमा में मैं यहाँ वहाँ पे जब मैं उबाल रही थी तब मैंने 1/2 चम्मच के करीब यूज़ किया था। यहाँ पे मैं अब 1.5 चम्मच के करीब मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। आप नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे हमें ऐड करना है करीबन 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। हम ऊपर से गरम मसाला डाल रहे हैं, पहले भी हमने 1/2 चम्मच यूज़ किया था और अब मैं ऊपर से यूज़ कर रही हूँ ताकि जो गरम मसाले का टेस्ट है वो भी अच्छी तरीके से घुल के आए। सारी चीज़ों को पका लिए, अब बस अब लीड लगा के इसमें अच्छा सा उबाल आने देते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया उबाल आ गया है हमारे राजमा में। बस अब इसी स्टेज पे लास्ट में आप इसमें बटर या मक्खन या फिर आप इसमें घी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ। बस ये गर्मा गर्म राजमा अब सर्व करने के लिए रेडी है। यहाँ पे आपको गैस बंद कर देना है और लीड लगा देना है थोड़ी देर के लिए। बस इसके बाद ये राजमा परोसने के लिए तैयार है। आप गर्मा गर्म इस राजमा को चावल के साथ सर्व करिए और यकीन मानिए आपके घर आए हुए गेस्ट आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। आप इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी राजमा की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक अगली रेसिपी के साथ, तब तक हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए।